मोनिका मिश्रा एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम हैंड बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हैंड बैग स्टिच किया है। देखिए, एक फ्रंट साइड में जिप से पॉकेट दी है, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें अंदर की साइड में देखिए काफ़ी स्पेस दिया है और ये पॉकेट अंदर से काफ़ी नीटली स्टिच हुई है। इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे और सेंटर में हम जिप से इसको ओपन कर लेंगे। देखिए ऐसे दोनों साइड से ओपन कर लेंगे और इसमें देखिए फ्रेंड्स, अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है और एक हमने जिप से साइड भी पॉकेट दी है, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें भी अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है और ये भी पॉकेट अंदर से काफ़ी नीटली स्टिच हुई है। यहाँ पर अपना सामान सेट करते हुए जिप से ऐसे लॉक कर दीजिए और इस साइड भी आप अपने सामान को सेट करते हुए दोनों साइड से जिप से ऐसे लॉक कर दीजिए। ऐसे हम इसको लॉक कर देंगे और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हैंडबैग साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ये कुछ ऐसा आएगा। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा हैंडबैग पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये हैंडबैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हैंडबैग बनाने के लिए हमने 16x32 का एक मेन फैब्रिक लिया है। फ्रेंड्स, ये हमने सेटिन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच कर सकती हैं, फोल्ड करके भी स्टिच कर सकती हैं या किसी मोटे शाइन फैब्रिक से भी इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। तो हमने 16x32 का एक मेन फैब्रिक लिया है। ये हमने 16x32 का देखिए प्लेन पीस लिया है और इसकी एक साइड में हमने एक जिप को अटैच किया है। ये हमने 8 इंच की जिप को और 8x16 के प्लेन पीस को लेते हुए हमने यहाँ पर एक पॉकेट को स्टिच कर लिया है। इस पॉकेट को कैसे स्टिच करना है अभी हम आपको बताएंगे। तो 16x32 का हमको एक प्लेन पीस लेना है और ये हमने 5x6 के दो मेन फैब्रिक लिए हैं। 5x6 के दो मेन फैब्रिक लिए हैं और 5x6 की हमने दो प्लेन पीस लिए हैं और ये 6x7 का हमने दो मेन फैब्रिक लिया है। देखिए, 6x7 का हमको दो मेन फैब्रिक लेना है और 6x7 का हमको दो प्लेन पीस लेना है और ये हमने 8x16 का देखिए प्लेन पीस लिया है। 8x16 के हमको दो प्लेन पीस लेने हैं। एक हमने 16x32 के प्लेन पीस में पॉकेट को स्टिच कर लिया है और एक हमें अभी पॉकेट को स्टिच करना है। तो हमें 8x16 के दो प्लेन पीस लेने हैं और ये हमने 8 इंच की जिप ली है। 8 इंच की हमको दो जिप लेनी है। एक देखिए हमने प्लेन पीस में स्टिच कर ली है और एक हमें स्टिच करनी है। तो हमको 8 इंच की दो जिप लेनी है और ये हमने 26.5 की एक जिप ली है। देखिए, 26.5 की एक जिप ली है और इसमें हमने डबल रनर डाला है और ये हमने 24 इंच के दो हैंडल लिए हैं। देखिए, 24 इंच के हमको दो हैंडल लेने हैं। सबसे पहले हम 16x32 का ये मेन फैब्रिक लेंगे और इसको देखिए हमने ऐसे फोल्ड किया है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से हम सेंटर का कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने यहाँ पर सेंटर का कट लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमने इसको शेप में कट किया है, इसको हमें इस साइड भी शेप में कट करना है। तो अब देखिए हमें कैसे कट करना है। सेंटर के मार्क से, जो हमने सेंटर पे कट लगाया है, सेंटर के मार्क से हमें यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करना है। ये हमने 6 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही इस साइड से भी हम सेंटर के मार्क से 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने ये 6 इंच पे मार्क कर लिया है। दोनों साइड से हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। अब देखिए, इस साइड से यहाँ पर 1.5 इंच पे हमको मार्क करना है। ये हमने 1.5 इंच पे मार्क किया। अब जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है और ये 6 इंच मार्क किया है, इसको हम देखिए इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। इसमें ऐसे सीधे मार्क कर लेंगे। देखिए, यहाँ से हमने सीधे मार्क कर लिया है।
सेंटर के मार्क से हमने पहले 6 इंच पे मार्क किया, इसके बाद इस साइड से हमने 1.5 इंच मार्क करके इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला दिया है। ऐसे ही हमको इस साइड भी मार्क करना है, तो पहले हम इस साइड से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 1.5 इंच मार्क किया और ये जो 1.5 इंच मार्क किया है यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क किया है, इस पॉइंट से हमें इसको मिलाना है। ऐसे हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखिए दोनों साइड से हमने मार्क कर लिया है। अब जो हमने ये मार्क किया है इसको हम यहाँ से दोनों साइड से कट कर लेंगे। दोनों साइड से देखिए हमने मार्क वाली लाइन पे कट कर लिया है। अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे हमें फोल्ड करना है, बराबर में फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट्स को लेते हुए, ऐसे बराबर में ऐसे सेट करेंगे। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे हल्का सा हम यहाँ पर शेप दे देंगे, ऐसे हमें शेप देना है। देखिए हमने शेप दे दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे दोनों पार्ट्स को ऐसे लेते हुए यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ऐसे सेट करते हुए हम इसको कट कर लेंगे शेप में। कॉर्नर पे देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों साइड से शेप में कट कर लिया है। ऐसे ही हमने देखिए फ्रेंड्स इस साइड भी ऐसे पहले हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्क किया और यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करके इसको शेप में कट कर लिया है। और इस साइड भी देखिए दोनों साइड कॉर्नर पे हमने शेप में कट किया है। अब दोनों पार्ट्स हमारे सेम साइज के कट हो गए हैं। अब हमें एक साइड से यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसमें हमें सेंटर का मार्क लगाना है। यहाँ पर कट लगा के हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड से ये हमने यहाँ पर सेंटर का मार्क लगा लिया है। सेंटर के मार्क से हमें 2.5 इंच पे नीचे डाउन करना है। ये सेंटर का मार्क है और ये हमने 2.5 इंच पे नीचे डाउन कर लिया है। अब हमें 8x16 का ये प्लेन पीस लेना है और इसको पहले फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। से हम इसमें सेंटर का मार्क लगाएंगे। ये सेंटर का मार्क है प्लेन पीस का और इसको हम 2.5 इंच पे जो डाउन किया है यहाँ पर सेंटर के मार्क से मिलाते हुए इसको ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन से देखिए फ्रेंड्स हमने इसको सेट कर दिया है प्लेन पीस को। अब हमें ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस में यहाँ से सेंटर से हम देखिए 1 इंच पे नीचे डाउन कर लेंगे और सेंटर के मार्क से हम 3.5 इंच इस साइड से और 3.5 इंच इस साइड से, यानी हम 7 इंच पे सीधे मार्क कर लेंगे। देखिए ऐसे करते हुए 7 इंच पे हम सीधे मार्क कर लेंगे। अब हाफ से हाफ इंच इस साइड से और हाफ से हाफ इंच इस साइड से दोनों साइड से हम सीधे मार्क कर लेंगे। मार्क करते हुए ये हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। अब देखिए बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करते हुए हमने प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको देखिए हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर पे मार्क लगाया था 7 इंच पे वहाँ पर ऐसे हल्का सा हम कट लगा लेंगे और इसको ओपन करेंगे और हम सेंटर के मार्क्स पे सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स भी वी शेप में कट कर लेंगे। सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में हमने वी शेप में कट कर लिया है। अब इस प्लेन पीस को हम बैक साइड में सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने बैक साइड में पिन अप कर लिया है। अब हमें ये 8 इंच की दूसरी जिप लेनी है। एक जिप को देखिए प्लेन पीस में हमने स्टिच कर ली है, ये दूसरी जिप है। तो जिप को हम देखिए उल्टी जिप यहाँ पर ऐसे रखेंगे प्लेन पीस के ऊपर और फ्रंट साइड में आएंगे। देखिए ऐसे फ्रंट साइड में इसको कर लेंगे और जिप को यहाँ पर सेट करते हुए पूरा हम शेप में स्टिच करके इस जिप को हम मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। जिप को हमने सेट करते हुए देखिए शेप में स्टिच करके यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड में आएंगे और ये जो पिन है पिन को हम ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे
और प्लेन पीस को देखिए ऐसे ऊपर की साइड में करेंगे और यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे प्लेन पीस को, और यहाँ पर पहले प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए ऐसे थ्री साइड से स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को हम लॉक कर देंगे। और ये जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को हटाते हुए हमें थ्री साइड से स्टिच करना है और इसमें यहाँ से इसको लॉक करना है। थ्री साइड से स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को हमने लॉक कर दिया है। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉकेट हमारी बनके रेडी हो गई है, इसको हम लॉक कर देंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें 6x7 का ये दोनों मेन फैब्रिक लेना है और ये दोनों इसका प्लेन पीस लेना है। अब देखिए इसमें से एक पार्ट को लेंगे और पहले इसको फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए सेंटर का मार्क लगा लिया है फ्रेंड्स। ये 6 का साइड है और ये 7 का साइड है, तो हमें 6 की साइड में दोनों साइड से सेंटर का मार्क लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटर का कट लगाया है, दोनों कट को ऐसे मिलाते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे। ऐसे हमें यहाँ पर सीधे मार्क करना है। कट से कट को मिलाते हुए हमने सीधे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर एक साइड से 1/2 इंच में इस साइड मार्क करेंगे। ये हमने 1/2 इंच में मार्क किया और ऐसे ही सेंटर के मार्क से दूसरी साइड में भी 1/2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से देखिए सेंटर के मार्क से 1/2 इंच दोनों साइड से हमने मार्क कर लिया है। अब जो ये 1/2 इंच मार्क किया है, इस वाले पॉइंट को हमें देखिए इस कॉर्नर पे मिलाना है। देखिए ऐसे करते हुए इस कॉर्नर पे मिलाएंगे और सीधे मार्क कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने सीधे मार्क कर लिया है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी यहाँ पर देखिए ये जो 1/2 इंच में मार्क किया है, यहाँ पर ऐसे लेते हुए यहाँ से इस कॉर्नर पे मिलाते हुए यहाँ पर भी हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड से भी हमने सीधे मार्क कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए इस शेप में हमें ये पार्ट कट करना है, तो पहले हम सेंटर से इसके दो पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ से ऐसे सेंटर के मार्क से सीधे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर के मार्क से हमने सीधे कट कर लिया है। ऐसे ही हमें ये वाला पार्ट भी रेडी करना है और ये प्लेन पीस भी रेडी करना है। ये सारे पीस हमें ऐसे ही रेडी करने हैं, तो पहले दोनों साइड से हम सेंटर का कट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों प्लेन पीस और इस मेन फैब्रिक को हमने देखिए मार्क करके कट कर लिया है। अब हमें ये 26.5 की जिप लेनी है और इसमें से एक पार्ट को लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जिस साइड हमने 1/2 इंच मार्क करके सीधे कॉर्नर पे मार्क किया है, तो हमें इस साइड से नहीं, हमें इस साइड से जिस साइड 3 का साइड है, 3 की साइड पे हमें ये जिप रखनी है। देखिए सीधा साइड है जिप का और ये सीधा पार्ट है, तो इस साइड हम उल्टी जिप रखेंगे इसके ऊपर और इसमें से हम एक प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को हमें देखिए ऐसे रखना है। देखिए ये जो ये वाला जो पार्ट है, जो 3 वाला पार्ट है, देखिए 3 इंच का जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर रखना है, और जो हमने ऊपर 1/2 इंच मार्क किया है वो हमारा ऊपर के साइड में रहेगा। और यहाँ पर देखिए ऐसे दोनों पार्ट्स को रखेंगे, जिप को और प्लेन पीस को ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके प्लेन पीस और जिप को हमने मेन पार्ट में देखिए अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे बैक साइड में यहाँ पर ऐसे करेंगे, बैक साइड में कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। इस साइड से हम दाब सिलाई देते हुए मार्क वाली लाइन पे स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। तो हम दाब सिलाई देते हुए मार्क वाली लाइन पे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे सीधे स्टिच कर लिया है। देखिए मार्क वाली लाइन पे हमें स्टिच करना है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे देखिए हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमको इस साइड भी इस पार्ट को अटैच करना है। तो हम देखिए ये दूसरा पार्ट लेंगे, जो हमने इसका दूसरा पार्ट कट किया था, यहाँ पर इसको हम ऐसे रखेंगे। देखिए जो हमने ऊपर की साइड में 1/2 इंच पे कट किया था, यहाँ पर सीधे मार्क किया था, ये 3 इंच का साइड है, ये 1/2 इंच जो सेंटर के मार्क से हमने मार्क लगाया था, ये हमारा ऊपर की साइड में होगा। देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे और जो 3 इंच वाला मार्क है वो हमारा नीचे की साइड में होगा। यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस पार्ट को और ये प्लेन पीस लेंगे। और प्लेन पीस का भी देखिए जो ऊपर की साइड में 1/2 इंच लगाया था,
यहाँ पर ऐसे करके इस प्लेन पीस को ऐसे रखेंगे और इस मेन फैब्रिक को लेते हुए इसको भी हम इस साइड से स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने सीधे स्टिच करके प्लेन पीस और मेन फैब्रिक को जिप में अटैच कर दिया है। अब देखिए इस प्लेन पीस को हम बैक साइड में कर लेंगे और ऐसे करते हुए इसमें हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। अब इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ पर ऐसे, और ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। इस साइड भी देखिए फ्रेंड्स, हमने दाब सिलाई देते हुए स्टिच किया और मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके हमने इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक में। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसे हमने इस साइड ये दोनों पार्ट्स अटैच किए हैं, ऐसे ही हमें इसकी दूसरी साइड में ये दोनों पार्ट्स इसमें अटैच करने हैं जिप में। तो हम पहले मेन फैब्रिक लेंगे और ये जो 3 इंच वाला मार्क है, जो हमने ये 3 इंच पे बॉटम के कॉर्नर से मार्क किया है, ये वाला पार्ट हमारा नीचे की साइड में होगा। देखिए ऐसे रखेंगे प्लेन पीस को, देखिए इसके बैक साइड में यहाँ पर सेट करेंगे और इस पार्ट को भी सेट करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को और मेन फैब्रिक को जिप में अटैच कर देंगे। जिप की दूसरी साइड में भी हमने देखिए इस पार्ट को स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब हमें 5x6 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इसकी लाइनिंग लेनी है। अब देखिए ये हम इस पार्ट को लेंगे इसमें से, और ये जो ये वाला पार्ट है ये 6 का साइड है और ये 5 का साइड है, तो 6 का ये भी साइड है। तो 6 की साइड में दोनों पार्ट्स को देखिए, दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में होगा। इसको ऐसे रखेंगे और इसमें से एक प्लेन पीस को लेंगे। प्लेन पीस का ये हमारा 6 का साइड है, तो इसको हम देखिए बॉटम की साइड में रखेंगे। पहले प्लेन पीस रखेंगे, इसके बाद ये मेन वाला पार्ट रखेंगे जिप वाला, और इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रखेंगे। सीधा साइड अंदर की साइड में होगा और यहाँ पर ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने मेन पार्ट को और प्लेन पीस को जिप वाले पार्ट में अटैच कर दिया है। अब इसको हम ऐसे ऊपर की साइड में कर देंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और पूरा चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को देखिए इसमें अटैच कर लिया है। अब देखिए बैक साइड में ये जिप वाला पार्ट और प्लेन पीस देखिए एकदम नीटली इसमें अटैच हो गया है। ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी इस वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए ये 6 का साइड है और ये 5 का साइड है, तो 6 की साइड को हम ऐसे बॉटम में ऐसे रखेंगे और प्लेन पीस को लेंगे, इसको हम नीचे की साइड में रखेंगे और इसको भी हम स्टिच करके इस वाले पार्ट में अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने स्टिच करके इस वाले पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा लेंगे। इसे हम कट लगा लेंगे और ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी इसको फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने सेंटर का कट लगा लिया है। ये वाला पार्ट लेना है 16x32 का, और इसको पहले हम जिप वाला पार्ट यहाँ से अलग कर लेंगे और इस पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। इस साइड से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सेंटर का कट लगाएंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करना है बराबर में और यहाँ पर सेंटर का कट लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड में भी फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का कट लगाएंगे। इस साइड देखिए हमने यहाँ पर सेंटर का कट लगाया है, और देखिए इसको फ्रंट साइड में करेंगे और सेंटर के कट से हम देखिए इस साइड यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 3 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही सेंटर के कट से दूसरी साइड में भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर हैंडल अटैच करना है। ये हमने 24 इंच का हैंडल लिया है और जो हमने 3 इंच मार्क किया है यहाँ पर देखिए ऐसे सेंटर में रखना है
और इसको दूसरे पार्ट को ऐसे सेट करते हुए दूसरे मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी हैंडल को स्टिच करके अटैच करना है। तो हम देखिए ऐसे सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे और हैंडल को इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से देखिए स्टिच करके हमने हैंडल को अटैच कर दिया है। अब देखिए, अब हम ये देखिए यहाँ पर हमने सेंटर का कट लगाया था इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से सेंटर का कट लगाया था। ये सेंटर का कट है, देखिए ये हमने मार्क कर दिया है। अब हमें जिप वाला पार्ट लेना है, ये जिप वाला पार्ट लेंगे और जिप वाले पार्ट पे भी ये हमने यहाँ पर सेंटर का कट लगाया है। अब देखिए ये सीधा साइड है और ये सीधा साइड है, इसको हम देखिए दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में करेंगे और इस जिप वाले पार्ट को ऐसे कट से कट को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और प्लेन पीस लेंगे 16x32 का और इसमें भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसको लेते हुए ये देखिए ये सीधा साइड है तो ये हमारा अंदर की साइड में होगा, इसको अंदर की साइड में करेंगे और इस कट को इस कट से ऐसे मिलाएंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ये बॉटम का साइड है तो हम देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे ऐसे सीधे स्टिच करके, इसको जिप वाले पार्ट को पहले अटैच करेंगे, इसके बाद ये जिप वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, इसके बाद इसको हम ऊपर की साइड में यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए पूरा शेप में स्टिच करके और दूसरी साइड में जो सेंटर कट है दूसरी साइड में हम इस वाले पार्ट को देखिए ऐसे रखेंगे। जैसे हमने इस साइड रखा है ऐसे ही इस साइड भी हम सेंटर के कट को सेंटर कट से मिलाते हुए इस साइड इसको रखेंगे और ये प्लेन पीस इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इस कट को इस कट से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और इसमें भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ तक स्टिच करके इस प्लेन पीस के साथ जिप को भी हम इसमें अटैच करेंगे। तो हम देखिए पहले इसको ऐसे सेट करेंगे और बॉटम से हम यहाँ पर 6 इंच पे पहले सीधे स्टिच करेंगे, इसके बाद जिप वाले पार्ट को ऊपर की साइड में करते हुए स्टिच कर लेंगे और इसमें हम जिप वाला पार्ट अटैच कर देंगे। इस साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है 6 इंच तक। अब हम देखिए जिप वाला पार्ट जो है इसको हम ऊपर की साइड में कर लेंगे, ऐसे हम ऊपर की साइड में करेंगे जिप वाले पार्ट को और इसको सेट करते हुए प्लेन पीस को लेते हुए हम पूरा एक साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस के साथ जिप को इसमें अटैच कर देंगे। से देखिए फ्रेंड्स, हमने शेप में स्टिच करके प्लेन पीस को जिप के साथ अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक में। देखिए पहले हमने 6 इंच पे बॉटम की साइड में ऐसे स्टिच किया, इसके बाद जिप वाले पार्ट को ऊपर की साइड में लेते हुए जिप में हमने देखिए इसको अटैच कर दिया मेन फैब्रिक को और इस साइड भी हमने देखिए 6 इंच पे यहाँ पर बॉटम की साइड में स्टिच कर लिया है। अब हम पिन निकाल लेंगे और ये जो हमने शेप में ऊपर की साइड में कट किया है इसमें हम हल्का हल्का ऐसे कट लगा देंगे स्टिच लाइन को बचाते हुए। दोनों साइड से हमने शेप में कट लगा लिया है। अब देखिए इसको हम अंदर की साइड से ऐसे सीधी साइड कर लेंगे, इसको पलट लेंगे और इसको हम सीधी साइड कर लेंगे। एक साइड से देखिए फ्रेंड्स, पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब हम ये जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को पहले इस हैंडल को अंदर की साइड में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ये जो मेन फैब्रिक है इसको हम जिप के ऊपर रखेंगे और इस हैंडल को पहले हम अंदर की साइड में कर लेंगे और ये जो हमने मार्क लगाया है मार्क पे और इस वाले कट को ऐसे मिलाएंगे सेंटर से, इसको हम देखिए ऐसे मिलाएंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे बैक साइड में ले जाएंगे, ऐसे हम इसको बैक साइड में कर लेंगे और बैक साइड से ये हमने यहाँ पर प्लेन पीस में ये सेंटर का मार्क लगाया है। अब इस सेंटर के मार्क को और इस मार्क को देखिए ऐसे मिलाना है, प्लेन पीस को हमें देखिए बैक साइड से करना है, ये बैक साइड में आ जाएगा ऊपर की साइड में और जिप वाले सेंटर के मार्क को, मेन फैब्रिक को और प्लेन पीस को, तीनों को सेंटर के मार्क से ऐसे लेते हुए हम यहाँ पर पहले पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन लगा लिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे पिन से सेट करेंगे प्लेन पीस के साथ में जिप वाले पार्ट को। पिन से हमने देखिए इस पार्ट को सेट कर दिया है। अब हम एक साइड से यहाँ पर
8 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ते हुए, यहाँ से 8 इंच का गैप छोड़ते हुए पूरा यहाँ से स्टिच करेंगे और ऐसे शेप में स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और इस मेन फैब्रिक को हमें जिप वाले पार्ट में अटैच करना है। तो हम देखिए यहाँ पर 8 इंच का गैप छोड़ते हुए पूरा शेप में स्टिच कर लेंगे और इसको हम इसमें अटैच कर देंगे। एक साइड से देखिए 8 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने पूरा शेप में स्टिच करके जिप वाले पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। अब जो ये हमने शेप दिया है यहाँ पर हल्का हल्का कट लगा देंगे। शेप में हमने कट लगा लिया है। अब देखिए पिन को हम ऐसे यहाँ से निकालेंगे और ये जो पार्ट हमारा ओपन है यहाँ से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इस वाले पार्ट को देखिए हमने पलट के सीधी साइड कर लिया है। अब इसको हम पलट के बैक साइड में कर देंगे। इसे हम पलट लेंगे और इसको हम बैक साइड में कर देंगे। ये देखिए ये जो पार्ट ओपन है, पहले हम देखिए ये जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से ऐसे लेते हुए, प्लेन पीस को नहीं लेना है, ऐसे लेते हुए पहले हम सीधे स्टिच करके ऐसे हम लॉक करेंगे, इसके बाद प्लेन पीस को हम अटैच करेंगे। तो हम पहले दोनों मेन फैब्रिक को देखिए, ये जो दोनों मेन फैब्रिक है इन दोनों को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर स्टिच करके इसको अटैच करेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम हटाते हुए स्टिच करेंगे और इसको हम पहले लॉक करेंगे। दोनों मेन पार्ट को लेते हुए हमने स्टिच करके देखिए अटैच कर दिया है। अब हम देखिए इस वाले पार्ट को ऐसे थोड़ा सा अंदर की साइड में कर देंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लाइन को अंदर की साइड में करते हुए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। इस वाले पार्ट को देखिए हम ऊपर की साइड में कर लेंगे, ऐसे करना है और इसको हम अंदर की साइड में करते हुए सीधे स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम यहाँ से लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमने सीधे स्टिच करके साइड से देखिए लॉक कर दिया है। अब देखिए इस साइड और पूरा हमारा अंदर का साइड पूरा फिनिशिंग के साथ नीटली अटैच हो गया है। ये देखिए आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टिच करके जब आप लॉक करेंगी स्टिच करते समय ऐसे शेप में स्टिच करके यहाँ पर आप दाब सिलाई भी दे सकती हैं। तो हमने दाब सिलाई नहीं दी है, यहाँ से सिर्फ स्टिच करके इसको लॉक किया है। अब इसको हम पलट के सीधी साइड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब ये हमारा हैंड बैग बन के रेडी है। देखिए अंदर की साइड में काफ़ी नीटली ये पार्ट पूरा अटैच हो गया है। एक हमारी इनर पॉकेट आ गई है और इसमें अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर अपना सामान सेट करते हुए आप जिप से यहाँ से ऐसे लॉक कर दीजिए और एक हमारी ये फ्रंट साइड में पॉकेट आ गई है। इसको हम जब हम ओपन करेंगे तो इसमें भी अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और इसमें हम देखिए ऐसे लॉक कर देंगे और ये जो हैंडल है इससे हम इसको कैरी करेंगे। ये हैंडबैग देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा स्टाइलिश हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।